हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंडिकेट बैंक PGDF PO 2019 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये सच बात है, बट इसका बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या उसका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहने वाला है, सैलरी पर्क्स वगैरह क्या होंगे और क्या इसका कैरियर ग्रोथ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी चाहिए वो आपके ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसा कि बहुत से लोगों के मन में डाउट्स होता है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो किस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहिए हूँ, यहाँ पर साफ साफ जो इसका क्वालिफिकेशन जो नोटिफिकेशन लिखा रहता है रहता है, कैंडिडेट शुड बी पास इन डिग्री विद 60% मार्क्स। यानी आपके आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होने चाहिए। और जो SC ST PWD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 19 के हैं, आप 20 मिनिमम एज आपकी 19 है या फिर आप 28 क्रॉस कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को देखें, तो यहाँ पर जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 100 रुपीज़, और जो बाकी अदर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस है 600 रुपीज़। जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली बैंकिंग एग्ज़ाम में यही फ़ीस रहती है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखें, तो ये जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली दो फेज़ में होता है। जो आपका पहला फेज़ होता है वो आपका होता है रिटर्न ऑनलाइन एग्ज़ाम, और जो आपका सेकंड फेज़ होता है वो आता होता है आपका GD इंटरव्यू। अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें, तो जो एग्ज़ाम होता है ये आपका 2.5 घंटे का होता है, जिसमें से 2 आवर आपके ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपका 50 मार्क्स क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, और आपका जनरल अवेयरनेस होते हैं जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, और आपको यहाँ पे कंपोजिट 2 आवर्स का टाइम दिया होता है। जैसे ही आपका ये 2 आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो आपकी फिर डिस्क्रिप्टिव की स्क्रीन खुलती है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव के 20-25 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका एग्ज़ाम होता है ये आपका 250 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में क्लियर होते हैं, जिसको इसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं, जो पहले एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं, उनका GD और इंटरव्यू होता है। जो GD और इंटरव्यू के बाद आपकी उसके बेसिस पर आपकी फायर एंड मेरिट लिस्ट निकलती है। जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होता है सेलेक्ट होते हैं जो कैंडिडेट, उनको फिर PGDF एक 9 मंथ का जो इनका कोर्स है उसमें वो कोर्स करना पड़ता है। जो जो इनका कोर्स की जो फीस रहती है वो 3.5 लाख रुपये रहती है, और जो इस फीस में सब कुछ आपका बोर्डिंग लॉजिंग और जो जितनी भी फीस हैं जितनी भी सब कुछ सब इंक्लूड रहता है। बेसिकली यहाँ पर जो कोर्स होता है आपका 9 मंथ का होता है। इस कोर्स के दौरान आपको 3,000 एज ए स्टाइपेंड मिलता है, और जैसे ही आपके 9 मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 3 मंथ्स होता है उसमें आपको 15,000 पर मंथ आपका फीस मिलते हैं। जो स्टार्टिंग के जो 9 मंथ्स होते हैं इसमें आपका जो इनका इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, सबको दिया जाता है। उसके बाद जो आपके जैसे 9 मंथ कंप्लीट होता है, तीन मंथ के लिए आपको कोई भी ब्रांच असाइन कर दी जाती है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलती है, आप एज ए ट्रेनिंग काम करते हैं, जहाँ पर आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमको 3.5 लाख रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो फीस है आपको ये बाद में रिफंड हो जाती है। जैसे ही आपके 5 ईयर्स हो जाते हैं सर्विस को, तो आपको एज अ लॉयल्टी बोनस के बाद आपको 5 लाख रुपये वापस कर दिए जाते हैं, जो कि आपको हर एक साल में 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्लीशन ऑफ 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ईयर कंटिन्यूसली आपको हर साल 1 लाख रुपीज़ आपको दे दिए जाएंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का हम देखें, जो लास्ट ईयर जो जिसका फॉर्म है वो आपका 2 जनवरी को निकला था 2018 में, और जो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 फेब तक हो चुका था। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, तो आप अपनी बस प्रिपरेशन में लग जाइए। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो आपकी कोर्स फ़ीस होती है 3.5 लाख रुपये, ये आप तो या तो डायरेक्टली पे कर सकते हैं एक बार में, या फिर आप इसके लिए आपको लोन्स भी प्रोवाइड कर देती है बैंक, बैंक आपको ये फ़ीस खुद भर देती है। आपको बस इसका आपको जैसे आपके 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद, या 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, आपको इसका इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू।